हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज के इस वीडियो आप सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वाले लोगों के लिए व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ आपका स्वस्थ कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कौन सा वह बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगे और आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रह सकता है? आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को वर्णन आपके लिए प्रकार शुभ और बेहतर होंगे आपको बताएंगे। आज आपको कौन सा वह महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप दे सकते हैं और किस प्रकार आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है? आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं और किस प्रकार से विशेष बड़े एक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकते हैं, खुशखबरी मिल सकते हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी आप लोगों के लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा आप इसे देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से बड़ा ही सुधार देखने को मिल सकेगा। आपको बताएंगे इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आप सभी आखिर तक देखें, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को अभी से ज्यादा बेहतर बना सकें। तो मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के कई सुलभ अवसर मिल सकते हैं, हर एक परिस्थितियों में जीत को हासिल कर सकते हैं। आज आप मीन राशि वाले जातकों का सामाजिक कार्य में आपकी व्यवस्थाएं बनी रह सकते हैं तथा एक नई पहचान भी हासिल हो सकते हैं। किसी संबंधी को उनके जरूरत के समय सहयोग करना आपको हार्दिक गुण से खुशी दे सकता है तथा संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। अज्ञात विधा से प्रति आपकी रुचि जागृत होंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने का खुशगवार भूलने जैसी स्थिति बन सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी चीजों की संभाल कर खुद ही कर सकते हैं, रख सकते हैं। जायदाद से जब कार्य में कुछ विलंब भी आपको हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें, थोड़े से प्रयासों करने से आपके कार्य संपन्न होंगे। पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होंगे। इस समय अच्छा खासा मुनाफा होने के योग बन सकते हैं। किसी भी पारिवारिक व्यवसायिक यात्रा को टाल देना बेहतर होंगे क्योंकि इसका कोई शुभ परिणाम न मिल सकता है। ऑफिस का माहौल भी पॉजिटिव बना रह सकता है। पति पत्नी के बीच में खट्टी मीठी नोक झोंक रह सकते हैं, लेकिन संबंधों में अधिक मधुरताएं बढ़ सकते हैं। विपलिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का ध्यान रख सकते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रह सकता है। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं। काम से संबंधित बड़ा टारगेट भी पूरा होने की वजह से आज आप काम से ब्रेक लेकर कुछ वक्त परिवार के साथ बिताने की कोशिश कर सकते हैं। शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश भी आवश्यकताएं हो सकते हैं। फिलहाल आपको अपने जिम्मेदारियों को अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकताएं होंगे, जिसके द्वारा आपके खुद के साथ परिवार की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। पति पत्नी मिलकर भागीदारी में बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं। परिवार के द्वारा आपके रिलेशनशिप को मंजूरी मिलने की वजह से विवाह से संबंधित बातों में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकते हैं। कर विभाग के अधिकारियों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। माता रानी आपको शानदार उपहारों के प्राप्त होंगे। आपको कामयाबी मिल सकते हैं। पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। ये बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका धन संजय ही आपके काम आता है, इसलिए आज से ही दिन आपको संजय करने का विचार बनाना होगा। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाना होगा जो कि संक्रात्मक और मददगार सबके स्वभाव के हैं। आज आप हर तरफ से प्यार ही प्यार अब फैला सकते हैं या दूसरों देशों में व्यवसायिक संपर्क बनाने का बेहतर समय होंगे। यात्रा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि कर सकता है। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पाले कभी भी महसूस ना हुआ होगा। आपने आपको कदम से कोई बढ़िया सरप्राइज भी डिश मिल सकता है। धन कमा पाने के योग बन सकते हैं। आपको कई प्रकार के पॉजिटिव नियंत्रण हो सकते हैं। नजदीक के दोस्तों के साथ मेल मुलाकात सबको और मनोरंजन के बेहतरीन कार्य भी सफल होंगे। आपको व्यतीत होगा आपकी कार्य कुशलताओं द्वारा उम्मीद से अधिक लाभ होंगे। वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी आपके व्यक्तिगत कौर भी निकारा जा सकता है। घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आने से अस्पताल आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, परंतु चिंता न करें, जल्दी स्वास्थ्य में सुधार दिख सकता है। परंतु आपके कुछ महत्वपूर्ण काम भी अधूरे रह सकते हैं। आज अधिकतर कार्य भी व्यवसाय भी कार्य भी फोन और संपर्कों के माध्यम से संपन्न होते जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर बन सकते हैं, परंतु किसी प्रकार की इंक्वायरी भी हो सकती है, इसलिए व्यवसाय में संबंधित सभी पेपर को कंप्लीट
घटक हैं, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे जिससे घर की व्यवस्थाएं उचित बने रह सकते हैं। प्रेम संबंध में पारिवारिक सुकृति प्राप्त हो सकते हैं। अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द व सूजन की समस्या बढ़ सकते हैं। कुछ समय अपने आराम के लिए निकालना जरूरी साबित होंगे। आपको अनेकों प्रकार के व्यवहार में कार्य भी सफल होंगे। आपके जीवन में सकारात्मक माहौल भी व्याप्त होंगे। माता रानी की असीम कृपा आपके जीवन पर पड़ने वाली है।